अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। अब चीन वो हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेगा। जो हरकतें वो भारत के समंदर के आसपास अपनी समुद्री ताकत का दबदबा दिखाने के लिए करता है, क्योंकि उसके लिए सीधा संदेश है, ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की तैनाती, और वो भी पहली बार दक्षिण भारत में, जहां से खासतौर पर हिंद महासागर की निगरानी और दुश्मन के किसी भी चाल को ध्वस्त करने के लिए भारत ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे घातक हथियार लगा दिया है। From here, it can dominate the seas, provide very close and integrated support to the Indian Navy, because you know this is capable of operating at the high seas. At the same time, it can also provide support to the land forces by protecting the vulnerable areas and vulnerable points that lie in the southern theater. Simultaneously, any other task that may be entrusted to this cordon in support of the land forces can easily be accomplished by this. Su-30 with BrahMos is the strongest maritime combination that we have in terms of weapon capability, and for that Tanjavur is the ideal location because of access to both on the east and west side and the IOR region, and in support of the navy I think it will bring huge capability. Kabhi Chinese navy ke warship, kabhi jasoosi karne wale jahaz, Bharat ke samandar ke aas paas Chin ki aisi harkatein pichle kai saal mein बार बार लगातार पकड़ी गई हैं। अभी पिछले महीने ही अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के पास भारत की समुद्री सीमा में शिनयान वन नाम का एक चाइनीज शिप घुस आया था, जिसे भारतीय नौसेना ने पीछा करते हुए खदेड़ दिया था। इस चाइनीज शिप का मकसद अंडमान में तैनात भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों की जासूसी करना था। There have been instances when we have had the PLA ships coming into our exclusive economic zone, and wherein we have had to tell them that because we have issued certain addendums to the convention, or we have had to tell them that this impinges on our issue. And if you see the BRI, the CPEC, it impinges on our sovereignty. चीन की ऐसी ही हरकतों और समंदर में भारत के खिलाफ साजिशों के लिए सबसे मारक हथियार तैयार और तैनात किया गया है। तंजावुर में तैनात टाइगर शार्क स्क्वाड्रन चीन को सावधान करने के लिए ही है कि भारत के समंदर में वो जो दखल देने और दबदबा दिखाने की कोशिश में है, उसमें उसे किसी भी चाल पर अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ब्रह्मोस के साथ तैनात सुखोई 30 डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों रोल में है। अगर किसी दुश्मन ने समंदर में भारत के खिलाफ कोई हरकत की तो दुश्मन को ध्वस्त करने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर भारत की समुद्री सीमा और उसके आसपास दुश्मन के जहाज ने कोई हरकत की, अगर दुश्मन के जहाज ने भारतीय नौसेना से मिली चेतावनी को भी नहीं माना, अगर भारतीय नौसेना की कोशिश के बाद भी दुश्मन का जहाज वापस नहीं गया, तो सुखोई 30 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करेगा और दुश्मन का जहाज ध्वस्त हो जाएगा। समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भारतीय नौसेना के पास सर्विलांस सिस्टम और अमेरिकी P-8I-2 ही विमान है, जो दुश्मन की हरकतों को पल भर में पकड़ लेते हैं। हाल में चीन के 7 नेवी वॉरशिप की हरकतें पकड़ी गई थी, जो हिंद महासागर के इलाके में चक्कर लगा रहे थे। इस सर्विलांस सिस्टम के साथ अब समंदर के लिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 है, जिससे भारत की समुद्री ताकत घातक हो चुकी है।